यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको देंगे, जो वो है कि यहाँ जो एक गामा का वोल्टेज है, मैंने देखा है कुछ वीडियो में यहाँ अलग से मॉड्यूल लगाते हुए, ये प्रॉब्लम था कि या तो यहाँ पे वोल्टेज बहुत ही ड्रॉप थे या तो यहाँ पे वोल्टेज अधिक थे। एक बात बता दें यहाँ पे, अगर ये वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है या कम है या अधिक है, तो इसकी कंट्रोलिंग को हम यहाँ पे समझते हैं। ये दो दो रेजिस्टेंस लगे हैं, एक ये है और एक ये है। ये है ग्राउंड से जुड़ा, ग्राउंड कहाँ पे है, यहाँ पर देखेंगे, ये जो ग्राउंड है यानी यहाँ पे, ये जो है ऐसे सीधे आया हुआ है यहाँ, और ये रेजिस्टेंस यहाँ से ये जुड़ गई है, और ये है इसका जो है गामा का वोल्टेज जो आउट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसकी जो है अक्सर ये इसकी वोल्टेज शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी वैल्यू अधिक होती है इस वजह से। या तो यहाँ पे अगर वोल्टेज ये सॉरी रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएंगे, तो दोनों को ट्रेस आउट करने के लिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पर देखें 1.2 वोल्ट जो है इसका जो फीडबैक दिया गया है यहाँ पे, ये वोल्टेज रेफरेंस ये फीडबैक पिन है, तो इसमें अगर यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए 2 वोल्ट दिखा रहा है, तो 2 वोल्ट का मतलब कि ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू बढ़ गई है। और अगर यानी ये जो है यहाँ पे अगर वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा, ये क्या नाम है 2.2 वोल्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बढ़ गया। लेकिन अगर यहाँ पे वोल्टेज कम है, यानी मान लीजिए अगर यहाँ पे पॉइंट में हो गया या 1 वोल्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई यानी इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो इस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू है, हम यहाँ पर दिखा दें, अब यहाँ पर देखें, ये है इसका जो है जी रेफरेंस यानी गामा रेफरेंस, और ये है इसका यहाँ पे बी रेफरेंस फीडबैक। तो बी रेफरेंस फीडबैक क्या है, यहाँ पे ये जो है इस पिन से जुड़ रहा है यहाँ से, ये फीडबैक 1.2 वोल्ट यहाँ पे चेक करें, और यहाँ से जो है इसका ये वोल्टेज आउट हो रहा है, ये है गामा वोल्टेज। ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक है ये जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, और ये है इसका जो है यहाँ पे गामा रेफरेंस से जुड़ा हुआ है। इन दोनों रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम से ये वोल्टेज की ड्रॉपिंग या हाई वोल्टेज को देखने को मिलता है। तो आपको अलग से कोई सर्किट बनाकर लगाने की या कोई जो है अलग से कन्वर्टर या अलग से सप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये दोनों रेजिस्टेंस से इसके वोल्टेज बैलेंस हो जाते हैं, वो जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके लिए यहाँ पे वोल्टेज कितना होना चाहिए। इसकी अगर पिन की काउंटिंग देखना है, तो यहाँ पे आप ये जो निशान है ये पिन नंबर 1 है, और 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, और इस साइड से 2 हुआ, ये हुआ 3, ये हुआ यहाँ पे 4, तो इसी तरीके से ये जैसे 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, फिर यहाँ पे 13, तो ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे जो है इधर से काउंटिंग होते होते ये लास्ट में यहाँ से ये जो है गामा वोल्टेज हमारा लौटेगा, यानी यहाँ से ये आउट होगा वोल्टेज, ठीक है। और AVDD वोल्टेज यहाँ पे इन होगा पिन नंबर 1 और 2 पे, ठीक है। यहाँ से जो है AVDD बनता है यहाँ पे, ये है AVDD का कॉयल, और यहाँ से वोल्टेज इंटर होता है। यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर भी वोल्टेज चेक कर लें, क्योंकि ये जो है AVDD का वोल्टेज है, यहाँ भी वोल्टेज परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे ही वोल्टेज ड्रॉपिंग है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, ये बात आप ध्यान से इसको देख लें ज़रूर। यानी पहला जो टेस्टिंग होगा यहाँ पे AVDD की टेस्टिंग होगी, क्योंकि इसी से हमारा गामा वोल्टेज बनता है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।